हेलो दोस्तों, चंदेल रसोई में मैं आज बनाने वाली हूँ रूअफ़ज़ा मिल्क शेक। ये शेक एक हेल्दी, इजी और क्विक बनने वाली ड्रिंक है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले चंदेल रसोई में आपका स्वागत है। रूअफ़ज़ा मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैंने 2 ग्लास भर कर लिए हैं और ये 0.5 लीटर के बराबर है। और हमें चाहिए रूअफ़ज़ा, और ये रोज़ सिरप बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। मैंने लिए हैं मिल्क पाउडर, मैंने इसके 3 चम्मच भर के लिए हैं। मिल्क पाउडर डालने से रूअफ़ज़ा शेक में क्रीमीनेस आ जाती है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। और हमें चाहिए काजू, काजू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है शेक में और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और हमें चाहिए चीनी, 2 चम्मच चीनी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क पाउडर और रोज़ सिरप वैसे ही बहुत मीठा होता है, तो अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी डालना स्किप भी कर सकते हैं। और काजू को एज इट इज़ शेक में नहीं डालेंगे, पहले ही हम इनका पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडर जार, इसमें काजू डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका पेस्ट बनाना आसान हो। और ये काजू का पेस्ट बनकर तैयार है, इसे साइड पे रख लेंगे। और मैंने लिए हैं 2 चम्मच चिया सीड्स, ये सीड्स बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इन्हें हम रूअफ़ज़ा शेक में डायरेक्ट नहीं डालते हैं, पहले इन्हें पानी में भिगोना पड़ता है। तो मैंने इन्हें गर्म पानी में लगभग 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था, और ये इस तरह से फूल जाते हैं और अपने साइज़ से बहुत बड़े हो जाते हैं। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा चिल्ड शेक किसे पसंद नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए आइस क्यूब्स। तो रूअफ़ज़ा शेक बनाना शुरू करते हैं और एक एक करके इसमें चीज़ें डालते जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट, मिल्क पाउडर, चीनी, और अब हम इसमें डालेंगे रूअफ़ज़ा। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच भरकर रूअफ़ज़ा डाला है, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अभी इसमें चिया सीड्स नहीं डालेंगे, इन्हें शेक बनने के बाद उसमें ऐड करेंगे। और ये हमारा शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिया सीड्स। मैं 1 ग्लास में 2 चम्मच भरकर डाल रही हूँ, और आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, रिफ्रेशिंग रूअफ़ज़ा शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।